हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां आए। और डियर, आज का टॉपिक जो है वो है थर्ड पार्टी डेली अपडेट में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर का क्या निकल के आता है। तो देखते हैं थर्ड पार्टी डेली अपडेट में आज की रीडिंग जो है क्या रहने वाली है। ओके डियर, तो चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग क्या बता रही है। थर्ड पार्टी डेली अपडेट में आज की रीडिंग क्या बता रही है, क्या निकल के आता है। अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है तो ही ये वीडियो देखिएगा, वरना वीडियो को स्किप कर दीजिए। ओके डियर, तो चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है आपके लाइफ में थर्ड पार्टी डेली अपडेट में। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी किसी बात को लेकर सदमे में दिखाई दे रही है। कोई बात इसने अपने दिमाग में ऐसी बिठा ली है, जहाँ पर इस थर्ड पार्टी को मैं देख रही हूँ कि डियर, इस थर्ड पार्टी का दिमाग पूरी तरह से खराब हो रखा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है बुरी तरह से उलझी हुई है, बुरी तरह से फंसी हुई है, उदास हो रखी है, किसी बात को लेके मायूसी इसको बहुत ज्यादा हो रही है, होप छोड़ रखी है इस थर्ड पार्टी ने। और इस थर्ड पार्टी का मुझे ऐसा भी लगता है कि इसके होप छोड़ने की वजह कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं, इसके किया करा है, जो इसने किया है ना वो इसके ऊपर भारी पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस थर्ड पार्टी के हालात बहुत ही बुरे दिखाई दे रहे हैं। और यहां पर देखिए, इस थर्ड पार्टी के हालातों के आगे इस थर्ड पार्टी को मैं देख रही हूँ, गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, कहीं ना कहीं ऊपर वाले से माफी मांग रही है। इसको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इसने किसी का कुछ तो बिगाड़ा है, तभी तो आज इसकी जिंदगी इतनी नरकमय हो गई है, इसीलिए तो इसकी जिंदगी आज इतनी तकलीफमय हो गई है। तो अपनी तकलीफों को लेकर, अपने दर्द को लेकर ऊपर वाले के आगे भीख मांगती हुई दिख रही है ये थर्ड पार्टी, गिड़गिड़ाती हुई दिख रही है, चाहती है कि इसके जो बुरे दिन हैं ऊपर वाला करे कि इसके साथ में जजमेंट हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इस थर्ड पार्टी को जजमेंट मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कार्ड ये बता रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है इसको इतनी तकलीफ हो रही है। आप यकीन मानिए, इस थर्ड पार्टी को मैं देख रही हूँ, जो दर्द से ये गुजर रही है, जिस तकलीफ से ये गुजर रही है ये थर्ड पार्टी, इसके हालात बहुत बुरे हैं डियर, बहुत ज़्यादा बुरे मुझे इसके हालात दिखाई दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं, इतने ज़्यादा बुरे हालातों से ये गुजर रही है, ऐसा लग रहा है किसी भंवर में ये फंस गई है और उस भंवर के अंदर से निकलने के लिए हाथ पैर मार रही है, किसी दलदल में ये फंस चुकी है और बहुत कोशिश कर रही है पर नहीं निकल पा रही है। क्योंकि ये दलदल में इंसान तभी गिरता है ना जब किसी दूसरे के लिए खड्डा खोदा हो। तो जो खड्डा इसने दूसरों के लिए खोदा था, आज उसी खड्डे में ये गिर चुकी है, उसी खड्डे में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी का तिया पाचा हो रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है ये थर्ड पार्टी और डियर, इसको ऊपर वाले के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं कि मेरी जिंदगी के ये तूफान को, मेरी जिंदगी में आए ये उतार चढ़ाव को ऊपर वाला करे कि कहीं ना कहीं दूर कर दे, किसी ना किसी तरह से मुझे जजमेंट मिल जाए, मेरे साथ में न्याय हो जाए, मुझे एक अच्छी लाइफ जीने को मिल जाए। तो ये थर्ड पार्टी जो है ना, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि हाथ फैला रही है, बहुत ज़्यादा इसके चीज़ों में मैं देख पा रही हूँ कि इसकी लाइफ जो है ना, इसकी लाइफ को अगर आप देखें तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसकी लाइफ जो है ना बहुत ही बुरे सिचुएशन से गुजर रही है। आप देखिए, बहुत ही बुरी सिचुएशन इसकी लाइफ में हो रखी है, इसके प्यार की कोई कद्र नहीं करी जा रही है, इसकी कोई वैल्यू कहीं पर नहीं रह रही है, कोई इसकी इसको पूछ नहीं रहा है, कोई इसको कुछ समझ नहीं रहा है, कोई इसको कुछ मान नहीं रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसके हालात, इसके जज्बात जो है वो ऐसे हो रखे हैं कि इसको ठुकराया जा रहा है, मतलब कि इस थर्ड पार्टी को ठोकर मार दी गई है। या तो आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को ठुकरा दिया है, या तो किसी ने इसका बहिष्कार कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि इसके फैमिली वालों ने इसको घर से निकाल दिया है, इसका बहिष्कार कर दिया, धक्के मार कर निकाल दिया। हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी ने पैसों की लालच में अपने आप को इतना गिरा दिया कि समाज, दुनिया किसी की परवाह नहीं करी। आज इसकी जिंदगी जो है ये ऐसे मुकाम पर जो खड़ी
हुई है। ऐसा दिख रहा है कि इतना लालच भी अच्छा नहीं होता, पैसे के पीछे भागना भी अच्छा नहीं होता। और फाइनेंशियली आज ये बहुत लॉस में दिखाई दे रही है, बहुत दुख में दिखाई दे रही है, बहुत तकलीफ में दिखाई दे रही है, रो रही है या रो रहा है। तकलीफ इसको बहुत ज्यादा हो रही है ये मैं देख पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है इसके बुरे दिन कहीं ना कहीं शुरू हो गए हैं। ये अपने ही जख्मों को लेकर कहीं ना कहीं तड़प रही है। इसका हाल आप समझ सकते हैं, एक तो दर्द, एक भंवर में ऐसी उलझी है कि जहां से निकलने के लिए ये सोच भी रही है ना तो नहीं निकल पा रही है। आप देख लीजिए, बिल्कुल नहीं निकल पा रही है। इसको अगर मैं आपके दिखाऊं तो देखिए, ऐसे उदास होना, ऐसे इमोशनल होके रो पड़ना, मतलब क्या है इसकी जिंदगी। एक ऐसे मुकाम पे आकर इसकी जिंदगी ठहर गई है जहां पर इसको लग रहा है कि लाइफ जो है दलदल में फंस गई है, जहां पर लग रहा है कि इसको एक ऐसे भंवर में फंस गई है जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है। हालात ऐसे हो गए हैं, चल नहीं पा रही है, थक गई है, हार गई है, टूट गई है और वहीं के वहीं गिड़गिड़ा रही है, ऊपर वाले के आगे हाथ फैला रही है, भीख मांग रही है कि मेरे गुनाहों को बख्श दो। इसकी रूह तक कांप गई है, ऐसे कारनामे इस थर्ड पार्टी ने करे हैं। देखिए, इसकी रूह तक कांप गई है, हे ऊपर वाले मुझे बचा ले, हे ऊपर वाले मुझे किसी तरह से कहीं ना कहीं जीने का एक मौका दे दे। तो ये थर्ड पार्टी जो है गिड़गिड़ा रही है, इसकी फीलिंग्स में दिख रहा है कि इसके अपने ही इसका बहिष्कार कर रहे हैं, इसके अपने ही इसको ठोकर मार के घर से निकाल रहे हैं, इसके अपने ही इसको कहीं ना कहीं बाहर निकाल रहे हैं। इसके पास में पैसा इतना नहीं है, इसके पास में कुछ बचा नहीं है, फाइनेंशियली लॉस में जा चुकी है ये थर्ड पार्टी। इसकी किसी से बन नहीं रही है, हर जगह पर, हर स्थान पे ये थर्ड पार्टी जो है ना वो लड़ रही है। आप समझ सकते हैं, ऐसी इसकी सिचुएशन हो गई है, ऐसे इसके हालात हो गए हैं कि अपने हालातों के आगे परेशान हो रही है। इस थर्ड पार्टी को मैं देख रही हूँ, जिस भी सिचुएशन से ये थर्ड पार्टी गुजर रही है, आप समझ सकते हैं 555 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। या फिर इस थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है, मैं बता दूँ कि बहुत ही सिचुएशन इसकी ऐसी आने वाली है कि इसके जो अच्छे दिन थे ना वो अब टल गए हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसके बुरे दिन स्टार्ट हो गए हैं, इसका बहुत कुछ बुरा होने वाला है, इसके लाइफ जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। आप यकीन मानिए कि इसकी ज़िंदगी एक ऐसे मुकाम पे आके ठहर गई है, इसकी ज़िंदगी एक ऐसे जगह पर आकर ठहर गई है जिसको मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ कि यहाँ पर एक ऐसा मुकाम इस थर्ड पार्टी के सामने आ गया है कि सरदर्द बन गई है इसकी लाइफ। यानी अपनी ज़िंदगी को देख के रोना आ रहा है इसको, है ना, तभी तो ये गिड़गिड़ा रही है दूसरों के आगे, और ऊपर से दुनिया वालों ने इसका बहिष्कार कर दिया। तो इसको नेगेटिविटी ने इस कदर घेरा है, ये नेगेटिविटी कहाँ से आई आप बताइए ना, इतनी नेगेटिविटी इस थर्ड पार्टी के पास कहाँ से आई जो इसने आज तक दूसरों को सेंड करी, जो इसने आज तक आपको सेंड करी, दूसरे लोगों को सेंड करी। तो यही तो है ये थर्ड पार्टी के पास में जो नेगेटिविटी आई है, है ना। तो ये नेगेटिविटी किसी और की दी हुई नहीं है, इस थर्ड पार्टी के खुद की बनाई हुई है, खुद का पैदा करा हुआ ये नेगेटिविटी है जो आज इस थर्ड पार्टी की जिंदगी को जहन्नुम बना रहा है, आज इस थर्ड पार्टी को जीना भी मुश्किल कर रहा है। ओ माय गॉड, आप समझ सकते हैं कि स्थितियां किस तरह से थर्ड पार्टी के सामने आती चली जा रही है, एक के बाद एक स्थिति इसका, मतलब इसकी तो यानी यूँ समझ लो कि इसके लिए तो एक कर्मा भुगतने जैसी हालत हो गई है। आप समझ सकते हैं इसके इमोशंस इतने हैवी हो रहे हैं, इतना ज़्यादा इसको अपने इमोशंस पे काबू नहीं है। और डियर, उसके साथ साथ ये गिड़गिड़ाती हुई जो दिख रही है लोगों के आगे, दुनिया के आगे, भगवान के आगे, ईश्वर के आगे, अल्लाह के आगे, वाहेगुरु के आगे, सबके आगे ये एक दरख्वास्त लगा रही है कि मेरे गुनाहों को बख्श दो, है ना, मुझे दुनिया में एक ऐसा नाम दिला दो, दुनिया में एक ऐसी रेपुटेशन वापस दिला दो जो कि कहीं ना कहीं इसको बहिष्कार किया जा रहा है, इसको निकाल दिया है, इसके अपनों ने ठोकर मार के निकाल दी है। या फिर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ में इसका टावर मूवमेंट चल रहा है, एक ऐसा टावर मूवमेंट जिसमें आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को अपनी जिंदगी से आउट कर दिया, इसको
निकाल दिया, इसको कहा कि भाई निकल जा मेरी जिंदगी से, तेरे लिए कोई जगह नहीं है, तू यहाँ पे नहीं रह सकती है, तू मेरी लाइफ से चली जा। क्योंकि इसने काम ही ऐसे करे हैं, इसमें मुझे दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी का जो सर दर्द हो रहा है ना, इसलिए भी हो रहा है कि इसके काले कारनामे जो हैं, इसकी काली सिचुएशन जो है आपके पार्टनर के सामने कहीं ना कहीं आ गई है। और देखिए ये थर्ड पार्टी जो है अपना रुआब, अपना जो रुतबा था, अपनी जो एक इमेज थी, उसको बनाए रखने की पूरी पूरी कोशिश करती है, पूरी पूरी कोशिश करती है कि इसका कंट्रोल जो है वो बना रहे। लेकिन आज इस थर्ड पार्टी को मैं देख रही हूँ कि जब इसके कंट्रोल से चीजें बाहर निकल गई, जब इसके हालात गिरे हुए हो गए, इसका रुतबा टूट गया, जब इसकी अक्कड़ टूट गई ना, इस हाल में है ये थर्ड पार्टी, इस हाल में है। जिंदगी टावर मोमेंट में लेके आ गई है इसको। इसकी जिंदगी को अगर देखें ना ये दोनों कार्ड को रखकर, तो डियर टावर मोमेंट ऐसा आया है कि गिड़गिड़ा रही है ईश्वरी शक्ति के आगे, ऊपर डिवाइन के आगे, है ना, यूनिवर्स के आगे गिड़गिड़ा रही है थर्ड पार्टी की। इसकी जहां इतनी चलती थी, जहां पर इस थर्ड पार्टी का सिक्का चलता था, आज इसको वहीं पर इसके अपने ठुकरा रहे हैं, आज इसको वहीं पर इसके अपने तोड़कर हटा रहे हैं, कह रहे हैं कि जिंदगी से चली जाओ, है ना। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की जिंदगी के जो इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रही है वो ऐसे ही नहीं आई है, ये किसी का बुरा करने की इसको सजा है। जो लोगों की जिंदगी में इसने बुरा करा है ना, जो लोगों की जिंदगी में ये बुरा करती आई है, उसकी सजा इसको मिलने वाली है, उसकी बहुत बड़ी सजा ये थर्ड पार्टी भुगतने वाली है। और इस थर्ड पार्टी को बहुत बुरी सजा मिल रही है, बहुत बुरी। मैं आपको बता दूं कि ये थर्ड पार्टी की ये जो सजा है ना, इसके कर्मों के लेखों पर मिल रही है, बहुत लड़ाई होने वाली है इस थर्ड पार्टी की, कहीं पे भी पट नहीं रही, किसी के साथ में बन नहीं रही है। थर्ड पार्टी हर जगह पर अपने ही दुश्मनों को खड़ा कर ले रही है। जहां पर थर्ड पार्टी पहले लोगों के साथ में मिलकर बहुत ज्यादा एंजॉय किया करती थी, जहां पर थर्ड पार्टी पहले लोगों के साथ में अटैच होकर कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लिया करती थी, है ना, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी का मैं एक ऐसा रूप देख रही हूं, मैं ऐसी सिचुएशन देख रही हूं इस थर्ड पार्टी की, कि आपको मैं कैसे कहूं कि ये थर्ड पार्टी जो है ना, इस ने नेगेटिविटी खुद खड़ी करी है। आप समझ सकते हैं कि ये थर्ड पार्टी जो है ना, जिसने मतलब ब्लैक मैजिक किया था ना, इसी के जाल में ही है, ये खुद ही के जाल में उलझ रही है ये थर्ड पार्टी। आपको मैं बताऊं कि इसने बहुत नेगेटिव एनर्जी इसका यूज किया है, ये ऐसे ही इसकी जिंदगी में टावर नहीं आ रहा, ऐसे ही इसकी जिंदगी इतनी नेगेटिव नहीं हो रही है, इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी इसका पीछा नहीं कर रही है बिना बात के, है ना। इसका पीछा इसलिए भी कर रही है नेगेटिव एनर्जीज, क्योंकि इसने जो ब्लैक मैजिक किया था उसी की जाल में ये उलझती चली जा रही है। आपके पार्टनर ऐसे रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं जिसने आप दोनों के बीच में बुरा करने की कोशिश की है, हो सकता है थर्ड पार्टी हो और ये थर्ड पार्टी का कर्मा है, है ना। तो मदर इशू हो सकता है यहाँ पर, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है पार्टनर यहाँ इस थर्ड पार्टी के काबू में है, ठीक है, ये बात से मैं वो नहीं करूंगी, लेकिन पार्टनर यहाँ पर इस थर्ड पार्टी के काबू में है। और आपके पार्टनर का पैसों को लेकर बहुत उलझने हैं डियर, आपके पार्टनर की भी बहुत उलझने चल रही है थर्ड पार्टी के साथ में, तभी तो वो थर्ड पार्टी को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तभी तो थर्ड पार्टी के पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर का पैसों को लेकर बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत उलझने चल रही है। फैमिली लॉस हुआ है डियर यहाँ पर आपके पार्टनर को, मैं बता दूं कि आपके पार्टनर का फैमिली लॉस भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर, उलझने हैं, ठीक है, टूट गए हैं आपके पार्टनर। थोड़ा सा मुझे पार्टनर की भी एनर्जीज मिल रही है कि इस थर्ड पार्टी के ऐसे बिहेव के कारण आपके पार्टनर जो हैं वो टूट गए हैं, आपके पार्टनर का लाइफ जो है वो खराब हो गया है। और डियर रास्ते पर चलते गए आपके पार्टनर, क्यों चलते गए इस थर्ड पार्टी के दिखाए गए रास्ते पर, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करके रखा था, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपनी बातों में उलझा के रखा था। ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये जो थर्ड पार्टी है इसने आपके पार्टनर को अपनी बातों में जरूरत से ज्यादा उलझा के रखा था, है ना। आप दोनों के बीच में हो सकता है हालात ऐसे हैं कि इस समय अगर मैं बोलूँ ना कि एक ही छत के नीचे आप रहते हो, एक ही छत के नीचे कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता जो है तो, पर
बातें बिल्कुल नहीं होती है, मुझे नो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में। किसके कारण? इस थर्ड पार्टी के कारण। इस थर्ड पार्टी ने यहाँ पार्टनर और आपके रिश्ते में, डियर मुझे ऐसा लग रहा है, तंत्र मंत्र करा है, छुपा छुपा के कुछ चीज़ें कराई है इसने। तो कुछ तो करा है थर्ड पार्टी ने यहाँ पर कि इस रिश्ते में जो है ना, बहुत तंत्र मंत्र की क्रियाएं कराई है और आपके पार्टनर को यहाँ ब्लैक मैजिक से बांधा था। हो सकता है कि इसने किसी हिडन एनर्जी के जरिए आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया था, किसी तरह की कोई काली विद्या करी थी और उस ब्लैक मैजिक के जरिए इसने आपके पार्टनर को बांधा था। पर डियर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ब्लैक मैजिक है वो यहाँ पर रिमूव कराया है आपने। हो सकता है आपने किसी से रिमूव कराया है, हो सकता है आपने किसी से इस ब्लैक मैजिक का काट कराया है, जिससे थर्ड पार्टी का कंट्रोल आपके पार्टनर से छूटा है, जिससे थर्ड पार्टी का कंट्रोल आपके पार्टनर के हाथों से गया है। मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ कि आपके पार्टनर के हाथों से इस थर्ड पार्टी का कंट्रोल चला गया है, ठीक है। यहाँ पर यह हिडन एनर्जी इस बात को भी बता रही है कि थर्ड पार्टी का अभी एक ऐसा फेज चल रहा है लाइफ में कि इसने जो जो किया है ना, वो नेगेटिविटी इसको डिस्टर्ब कर रही है, वो नेगेटिविटी इस थर्ड पार्टी को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो नेगेटिविटी इस थर्ड पार्टी की लाइफ को ख़राब कर रही है। ये थर्ड पार्टी बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है और आप यकीन मानिए कि ये थर्ड पार्टी का एक लाइफ में देख रही हूँ कि इतना प्रॉब्लम में है कि इसकी किसी से बन नहीं पा रही है। जहाँ पर थर्ड पार्टी को हर कोई एक रेपुटेशन थी इसकी अपनी, है ना, घर में हो सकता है ये थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा चलता हो, बहुत ज़्यादा इसको पूछा जाता हो, लेकिन आज इसको बहिष्कार कर दिया गया, आज इसको घर से निकाल दिया गया, या फिर इसने काम ही ऐसा करा कि आज इसकी वैल्यू जो है पूरी तरह से फैमिली से ख़त्म हो गई है, तो इसे कोई पूछ नहीं रहा। ऐसे मुकाम पे मैं इस थर्ड पार्टी को देख रही हूँ, एक तरह से पूरे बुरी तरह से इस थर्ड पार्टी का मैं देख रही हूँ, तो यूँ समझ लीजिए कि इसका तमाशा बन गया है। आप यूँ समझ लीजिए कि इस थर्ड पार्टी का ब्लैक मैजिक जो है वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इसकी जिंदगी जो है टावर में आ गई है ना। इसको मैं अगर मैं बोलूं कि इस थर्ड पार्टी के बारे में, तो हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी का मतलब है ना, थर्ड पार्टी ने पार्टनर के साथ में साथ बढ़ने के बारे में सोचा था कि साथ में काम करेगी, साथ में आगे निकल जाएगी, लेकिन इसको नहीं मालूम था कि इसकी सिचुएशन इतनी भी बैड हो जाएगी। तो जहाँ ये थर्ड पार्टी बहुत सारे इरादों को लेकर चल रही थी, जहाँ ये थर्ड पार्टी बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस को अपने साथ लेकर चल रही थी, वहाँ पर इसको मात मिली है, वहाँ पर ये थर्ड पार्टी जो है फेल हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। और इस थर्ड पार्टी का एक ऐसा दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को जिस भी हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी ने कोई ब्लैक मैजिक करके या फिर इतना तगड़ा जादू कराया कि पार्टनर जो है खुद इस थर्ड पार्टी के जाल में फंस गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने कोई बहुत मतलब बहुत बड़े मैजिशियन से इसने आपके पार्टनर के ऊपर तंत्र मंत्र कराया या कुछ ऐसा कराया है जिससे पार्टनर खुद ब खुद थर्ड पार्टी के जाल में फंस गए। हालात ऐसे हैं, थर्ड पार्टी के इशारों पर चलना पड़ता है आपके पार्टनर को। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इस थर्ड पार्टी के जाल में उलझ चुके हैं, आपके पार्टनर जो हैं अभी एक स्टक सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। बुरी तरह से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी में उलझ चुके हैं, बुरी तरह से आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने उलझाकर रखा है। थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के साथ में जो रिश्ता है वो पूरी तरह से मुझे नो कांटेक्ट में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही है कि ये थर्ड पार्टी जो है ना, इसने कुछ तंत्र क्रियाएं करी है, कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक किए हैं जिसके बेस पर आपके पार्टनर जो हैं इसके जाल में उलझ गए, इसके बातों में आ गए, इसकी बातों को उन्होंने सीरियस ले लिया, वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में थे, अभी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के इशारे पर चल रहे थे, बहुत ज़्यादा हैंग्ड सिचुएशन है और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ जो किया है या आपको जो चीट किया, आपको जो धोखा दिया है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन गलती उन्होंने की है, तो उस बात का भी इनको पछतावा मुझे दिखाई दे रहा है कि गलती उनसे हो गई है, उसका भुगतान उन्हें भुगतना पड़ेगा, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है।
या किसी थर्ड पर्सन के साथ जो किया वो भुगतेंगे डियर आपके पार्टनर, क्योंकि आपके पार्टनर ने भी गलत किया है और उसी का सजा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की तरफ से। मैं यहाँ पे बता दूँ कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में हालात ऐसे खड़े करें ना कि आप रहते तो एक ही घर में हो पर बातचीत बिल्कुल बंद है, बेगाने हो गए हो एक दूसरे के लिए। ऐसा है ना कि आप अपने पार्टनर के लिए बेगाने हो गए हो, आपका पार्टनर आपके लिए बेगाना हो गया है, बात होना नहीं होना बराबर हो गया है, फर्क नहीं पड़ता है, दूरियां मुझे यहां पर दिखाई दे रही है, नो कांटेक्ट में है डियर आपके पार्टनर, आपका होना नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं रखता है, आपकी वैल्यू रही नहीं, अब आप पार्टनर के दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रही। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी ने उन्हें इस तरह से मैनिपुलेट किया है, थर्ड पार्टी ने उन्हें इस तरह से कहीं ना कहीं कंफ्यूज किया है, कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में लिया है कि आपके पार्टनर आपको इम्पोर्टेंस देते देते नहीं दे रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, इग्नोर बहुत करने लगे हैं आपके पार्टनर, ये वाली एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर जो हैं आजकल आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे दूर होने लगे हैं। ठीक है, देखिए पार्टनर 100% यहाँ पर थर्ड पार्टी के काबू में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर का पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा उलझने हैं, है ना, आपके पार्टनर का पैसों को लेके बहुत ज़्यादा उलझने हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और तो और डियर आपके पार्टनर को पैसों को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम में मैं देख रही हूँ, हो सकता है फाइनेंशियली उनको भी लॉस हुआ है इस थर्ड पार्टी के कारण, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ रहते रहते उनका लक भी जो है बहुत नेगेटिव हो गया था, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ने उन्हें कहीं ना कहीं डस लिया था। आपके पार्टनर जो हैं अभी हैंग्ड सिचुएशन में हैं और थर्ड पार्टी को मैं देख रही हूँ कि इसकी ज़िंदगी जो है वो अब स्टक हो चुकी है, ये थर्ड पार्टी जो है बुरी तरह से उलझ चुकी है। यहाँ पे मैं बात करूँ क्योंकि मुझे बीच बीच में आपके पार्टनर की एनर्जी मिली तो मैंने रीड कर दिया, लेकिन ज़्यादातर मैंने कार्ड थर्ड पार्टी के ही निकाले हैं, है ना। और डियर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोराहा जो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में ये दोराहा जो आया है, ये रास्ता जो आया है, उसको आपके पार्टनर को ही कहीं ना कहीं निकलना होगा। इस दोराहे से आपके पार्टनर को निकलने के लिए हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड ये बता रहा है कि दर्द इनको भी होता है और ये थर्ड पार्टी को दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है, पर इसके कर्म इसके आगे आ रहे हैं, ये जैसा करके बैठी है वैसा इसको भुगतना पड़ सकता है। मैं आपको बता दूं कि इस थर्ड पार्टी ने जैसा किया है वैसा इस थर्ड पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इसने अपनी हर एक इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत सीक्रेट तरीके से प्लान बनाया था, बहुत सीक्रेट तरीके से आपकी ज़िंदगी में जहर घुलने की कोशिश करी थी, बहुत सीक्रेट तरीके से ये थर्ड पार्टी जो है प्लान बनाती चली जा रही थी, बहुत सारी प्लानिंग इसने करी है, बहुत सारे रिचुअल इसने करे हैं, बहुत सारी चीज़ों को कर इस थर्ड पार्टी ने अपने रिश्ते में एफर्ट्स डाले हैं। मैं आपको बता दूं कि 8-8 की एनर्जी है, इस रिश्ते में एफर्ट्स इस थर्ड पार्टी ने डाले हैं और ये मुझे दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है ना, इसका फैमिली से भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि फैमिली भी इसका सपोर्ट नहीं करने वाली। ओके, तो चलिए ये तो थर्ड पार्टी की एनर्जीज देखी थी हमने, किस थर्ड पार्टी का क्या हाल है, किस हाल में है ये थर्ड पार्टी अभी। और डियर इस थर्ड पार्टी को मैं देख रही हूँ कुछ हिडन रख रही है, कुछ सीक्रेट रख रही है, किसी जगह पर ये एफर्ट्स लगाती हुई दिख रही है, किसी जगह पर, मैंने क्या बोला, किसी जगह पर ये एफर्ट्स लगाती हुई दिख रही है, क्योंकि ये प्लान कर रही है किसी जगह के लिए, ये प्लान कर रही है किसी और के रिलेशन के लिए प्लान कर रही है, तो वो वाली फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं, अब कार्ड हम निकालते हैं आपके पार्टनर के लिए कि अभी आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी की फीलिंग्स तो हमने देख ली कि भाई थर्ड पार्टी कैसी है, क्या फील कर रही है, लेकिन मैं आपके लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखना चाहती हूँ। ओके, तो शफलिंग हो रही है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, बताएं कि यहाँ पर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके इमोशंस क्या है और वो क्या फील करते हैं।
मेरे व्यूवर्स के लिए। डियर, सबसे पहले तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ में जस्टिस करना चाहते हैं, उन्हें ये लग रहा है कि शायद उन्होंने जरूरत से ज़्यादा आपको गलत चीज़ों में उलझा दिया, उनको ये महसूस हो रहा है कि आपके साथ में उन्होंने न्याय नहीं किया। तो आपके पार्टनर को गिल्ट है, आपके पार्टनर को इस बात का बहुत अफसोस है और वो जस्टिस देना चाहते हैं आपको। वो चाहते हैं कि आपके साथ में एक ऐसा जस्टिस हो, ऐसा न्याय हो कि आपके दिल को जो आपके पार्टनर ने ठेस पहुंचाई है, आपके जज्बातों के साथ जो आपके पार्टनर खेल गए, उस जगह पर ये आपके दिल पर, आपके जख्मों पर मलहम लगाना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं, आपके घावों को भरना चाहते हैं आपके पार्टनर। ऐसी फीलिंग्स यहाँ पर निकल के आ रही है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में जस्टिस की एनर्जी थी, मैंने आपको बताया। आपके पार्टनर जो है आपके साथ में एक लव फील करते हैं, एक ऐसा लव जिसे सोल कनेक्शन कह लीजिए, या फिर एक ऐसा ट्रू लव आपके पार्टनर आपके साथ में फील करते हैं, जिसमें आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रिश्ता और बहुत गहरा प्यार है आपके पार्टनर का आपके साथ में। और डियर, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर का जो ये गहरा प्यार है, ये ट्रू लव है, वो आपको जताना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं, वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि भाई आपके पार्टनर जो है आपके बिना नहीं रह सकते, आपको बहुत मिस करते हैं, आपकी सोल उसके साथ में कनेक्ट है, उसके बावजूद ये आपके बिना रह नहीं पाते हैं, बहुत तड़पते हैं आपके पार्टनर, आपसे सच्चा लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, पर उनको ये इस बात का गिल्ट है कि उन्होंने इस सच्चे प्यार की कदर नहीं करी, उन्होंने इस सच्चे प्यार की वैल्यू नहीं करी, और आज उन्होंने आपको जो धोखा दिया, आज उन्होंने जो आपके साथ में चीटिंग किया, इसकी वजह वो सोचते हैं कि शायद वो खुद हैं जो गलत धोखा दे रहे थे, जो आपके साथ में मजाक कर रहे थे, जो आपकी ज़िंदगी का मजाक बना बैठे, है ना। तो मजाक मजाक में इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी का एक खिलवाड़ कर दिया, आपकी ज़िंदगी को मजाक बना के रख दिया, है ना। ये अगर चाहते तो चीज़ें सही कर सकते थे, ये चाहते तो चीज़ों को अपने हिसाब से सही करने की कोशिश करते, पर आपके पार्टनर ने तो चीटिंग का कसम खा लिया था, धोखा देने की कसम खा ली थी। एक ट्रू लव में ये इंसान इतना गिर सकता है आपने कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये पार्टनर ने ऐसा धोखा देकर सारी दुनिया, सारे समाज के सामने बता दिया कि सच्चे प्यार की कोई वैल्यू नहीं होती है, और इस इंसान ने ये करके आपके दिल को ठेस पहुंचाई है, आपके दिल के साथ में खिलवाड़ किया है। आज भी ये इंसान जो है अभी बहुत ही वेटिंग वाली एनर्जी में है, चीज़ों को सही करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है सही हो जाए, एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो चाहते हैं कि ये रिश्ता दोबारा से बन जाए। आपके पार्टनर आपको अपना कप ऑफर करना चाहते हैं, प्रपोजल आपको देना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू शुरुआत आपके साथ में करना चाहते हैं, चाहे उसको करने के लिए इनको जो करना पड़े, तो ये हर सब कुछ करने को तैयार हैं आपके पार्टनर। और डियर, आपके पार्टनर हर तरह से चीजों को समझेंगे, ठीक है, हर तरह से अपनी चीज़ों की तरफ वो कहीं ना कहीं बढ़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए थे, ब्रेकअप कर दिया था उन्होंने, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ में ब्रेकअप करके सबसे गलत किया है। और डियर, अब आपके पार्टनर जो हैं आपको अपना सोल कनेक्शन मानते हैं, सोलमेट वाली फीलिंग्स आती है उनको, और यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ जिस भी वे में आना चाहते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हैं आपसे, उनको एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उनको हो रहा है। और डियर, ये समझ लीजिए कि आपके पार्टनर जो हैं वो इस समय आपको लेकर बहुत ज़्यादा एडिक्शन में देख रही हूँ आपके पार्टनर का, बहुत ज़्यादा, है ना। तो एक एडिक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर का, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन, इतना ज़्यादा कि आपके पार्टनर जो है ना वो आपकी तरफ आने को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि उनको किसी तरह का, एक तो दिखे ये पार्टनर जो है ना किसी तरह का एडिक्शन इनको हो गया है, किसी तरह का ऐसा एडिक्शन इन्होंने अपने एक, मतलब इस इंसान को है ना
हो सकता है कि आपके बारे में सोच सोच के किसी तरह का एडिक्शन भी हो गया है, पता है ये क्या करने लगे हैं, किसी तरह का स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। हो सकता है कि इन्होंने हद से ज़्यादा ये चीज़ें करी है, पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको एडिक्शन है और बहुत ही ज़्यादा ये आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल रही है। आपके पार्टनर जो हैं अपनी हालत पे बहुत शर्मिंदा हैं, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें गलत कर दी है और बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं बाहर कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये अपने आप को बंद करके बैठे हैं, चार दीवारी में इन्होंने अपने आप को कैद कर लिया है। पर डियर, ये इंसान बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। ये पार्टनर, आपको मैं बता दूं, कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। ये इंसान जो है बहुत तकलीफ में है, बहुत दर्द में है, ऐसे हालात इसके मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये आप समझ लीजिए कि ये जो पार्टनर है कुछ तो करेंगे, कुछ तो एक्शन ये लेंगे, बहुत जल्द मैं इनका एक्शन देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ इनका बढ़ता हुआ कदम, आपके लिए कुछ चीज़ों को लेकर ये एक्शन लेने वाले हैं ना। रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आने वाली है, रास्ते में जो दिक्कतें हैं, अगर थर्ड पार्टी आपके लाइफ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इशू है, तो इस थर्ड पार्टी को पहले अपनी ज़िंदगी से निकालेंगे, इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से निकालेंगे और फिर आगे की तरफ ये बढ़ेंगे, फिर आगे के सिचुएशन की तरफ ये अपने कदम बढ़ाएंगे। और डियर, ये उस बारे में बहुत सोच रहे हैं। आजकल आपके पार्टनर की पूरी नज़र आपके ऊपर है, आजकल आपके पार्टनर जो हैं पूरा पूरा आपको स्पाई करते हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि वो समय कब आएगा जब आप इनकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएं। वो एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, एक ऐसे समय का वेट कर रहे हैं, अपने भाग्य उदय का वेट कर रहे हैं कि सारी सिचुएशन सही हो जाए, सारी स्थितियां सही हो जाए, ऐसे राइट टाइम का वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर। उनको लग रहा है कि वो राइट टाइम आ जाए जिसमें वो एफर्ट्स लगा सकें, वो राइट टाइम आ जाए जिसमें वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं और एक सही समय पर वो आपसे प्रपोजल दे सकते हैं, एक सही समय पर वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, एक सही समय पर वो आपके लाइफ में एक एफर्ट डालना चाहते हैं जिससे आप उनकी तरफ कहीं ना कहीं जाएं, उनकी बातों को समझें, उनकी चीज़ों को समझें। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर जो हैं चीज़ों को समझने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ में गलत चीज़ें कर दी है, उस बात को लेकर ये बहुत निराश हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर। इन्होंने जो मूव ऑन करने की जो कोशिश करी थी यहाँ पर ये मूव ऑन नहीं कर पाए। आपके पार्टनर की मैं एनर्जी देख रही हूँ कि इन्होंने आपसे मूव ऑन तो किया था पर शायद ये मूव ऑन नहीं कर पाए क्योंकि इनसे बना ही नहीं, क्योंकि इन्होंने आपके सच्चे प्यार को नहीं समझा ना, सच्चे लव को नहीं समझा। ये सच्ची चीजों को अगर समझ जाते तो शायद ये ऐसी गलती नहीं करते। आपके पार्टनर ने जो गलत किया वो पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर गलत कर बैठे, आपके पार्टनर की गलतियां यहाँ पे नजर आ रही है। आपके पार्टनर ने धोखा दिया, आपके पार्टनर ने आपके साथ में जस्टिस नहीं किया, आपको न्याय नहीं दे पाए दुनिया के सामने, समाज के सामने, लोगों के सामने। इन्होंने आपका हाथ छोड़ने की कोशिश करी और ये आज अपनी गलतियों पर पछता रहे हैं, ये आज अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा भाग्य मेरा साथ दे दे, मेरा लक मेरा साथ दे दे, काश आप इनको वापस से मिल जाए, काश आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाए तो शायद इनकी चीज़ें सही हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर चाहते तो बहुत कुछ हैं, चाहते हैं कि ज़िंदगी एक ऐसे मुकाम पर आ जाए जहाँ पर सारी चीज़ें, सारे सिचुएशन सही हो जाए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिचुएशन सही नहीं हो पा रही है। सिचुएशन के सही ना होने से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी में है, अपनी सारी एनर्जीज को, अपने सारी फीलिंग्स को ये छुपा रहे हैं, किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये चीज मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी को बता नहीं रहे हैं, किसी को जता नहीं रहे हैं कि उनको उनके दिल के हाल क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है। वो इतने ज़्यादा मजबूर हो गए हैं, इतने ज़्यादा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी वही कार्ड निकले हैं जो थर्ड पार्टी ने उनके साथ में किया है, वही तो कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी ने उनकी एनर्जीज के साथ में
कदर छेड़खानी करी है कि वो उलझ चुके हैं, वो उलझे थे, इसीलिए वो थर्ड पार्टी की बातों से, थर्ड पार्टी की चीजों से कहीं ना कहीं हार चुके हैं। उलझने इतनी बढ़ गई है कि उनको अब पास्ट की बातें याद आ रही है, उनको लग रहा है कि पास्ट में उन्होंने आपका साथ ना देकर बहुत गलत किया। तो पास्ट की कुछ बातें, पास्ट की कुछ यादें उनका जीना मुश्किल कर रही है। आपके पार्टनर को इस बात का रियलाइजेशन है कि उन्होंने ऑप्शन के पीछे भागकर गलत किया है, उन्होंने अपनी एक हैप्पी फैमिली, एक अच्छा हंसता खेलता परिवार जो था उसको छोड़कर इस थर्ड पार्टी की तरफ भागा, इस ऑप्शन की तरफ भागा। ये सबसे बड़ी गलती आपके पार्टनर ने की है और इस बात के लिए आपके पार्टनर जो है पछता रहे हैं, इस बात के लिए आपके पार्टनर जो है सोच रहे हैं कि उन्होंने जो गलत कदम उठाया, आपसे लड़ाई झगड़े करे, आपसे दूरियां बनाई, ये उनके जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अब आपके पार्टनर बैलेंस बनाएंगे, अब आपके पार्टनर चीजों को सही करेंगे, अब आपके पार्टनर सारी चीजों को एक ऐसी दिशा में लेके आना चाहेंगे जहाँ पे चीजें पूरी तरह से सही हो जाए। मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स में दिख रहा है कि अब वो अपनी सारी चीजों को सही करेंगे, सारी चीजों को सही करने के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। डियर, चलिए कुछ मैसेज निकालते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेज यहाँ पर आते हैं आपके लिए, क्या मैसेज यहाँ पर आते हैं, क्या मैसेज यहाँ से निकलते हैं, कुछ मैसेज हम लेना चाहेंगे आपके लिए, क्या मैसेज यहाँ पर आ रहे हैं, क्या मैसेज आपके लिए, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या मैसेज आ रहे हैं। काफी मैसेज आ गए हैं डियर, देखने की कोशिश करूंगी। अभी आपके पार्टनर बहुत उदास हैं, अभी आपके पार्टनर बहुत मायूस हैं, अभी आपके पार्टनर बहुत सैड हैं और डियर ये है रॉन्ग स्टेप। आपके पार्टनर बहुत बहुत ज्यादा गलत चीज की तरफ भाग निकले, गलत स्टेप ले लिया उन्होंने, जो स्टेप उनको नहीं लेना चाहिए था, इस स्टेप से उन्होंने अपनी जिंदगी को खराब कर लिया, इस स्टेप से उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। इतना ज्यादा सैड एनर्जी में आ गए आपके पार्टनर कि उनकी जिंदगी जो है वो बहुत ही गलत जगह पर आकर खड़ी हो गई है। एक ऐसे सिचुएशन में आपके पार्टनर आ गए कि उन्होंने आपके साथ में गलत किया, मूव ऑन करके बैठ गए हैं ना, बिना बताए आपकी ज़िंदगी से चले गए। आज जो दुख है उनको मिल रहा है, आज जो तकलीफ उनको मिल रही है, फिजिकल डिस्टेंस ये आ गया है, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस बात को बता रही है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ में गलत किया, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, धोखा दिया, आज पछता रहे हैं, है ना। ये आपके पार्टनर के कुछ नेम के मिसेज हो सकते हैं डियर, देख लीजिए आप जिस तरह से रेजोनेट करें। एक्स रिलेशनशिप में जाना आपके पार्टनर ने जो किया वो पूरी तरह से मुझे गलत लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, जैसा कि कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पार्टनर का यहाँ पर स्पेंडिंग मनी, आपके पार्टनर को पैसों का बहुत वो हो रहा है, पैसों को लेके भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, माइंड गेम इन्होंने खेले थे। हो सकता है कि इन्होंने ये सोचा था कि चीजों को ये हैंडल कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके पीछे पीछे ये कुछ कुछ करके कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को सेटल कर लेंगे, बहुत सारे माइंड गेम हो सकता है इन्होंने प्लान करे थे। लेकिन यहाँ पर कुछ तो ब्लैक मैजिक हुआ है, यहाँ पर कुछ तो डार्क एनर्जीज इन्वॉल्व हुई है जिसके बेस पे आपकी और आपके पार्टनर की जिंदगी खराब हुई है। अगर आपने कोई सवाल पूछा है तो उसका आंसर नो है डियर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं। और डियर यहाँ पर है आपके पार्टनर केयरिंग, केयरिंग की एनर्जी है, अब आपके पार्टनर आपकी केयर करना चाहते हैं। हो सकता है कैरियर को लेकर आपके पार्टनर जो है ज्यादा ही सोचने लगे थे, लेकिन अब आपके पार्टनर उस कैरियर से, कैरियर के साथ साथ आपके बारे में भी सोच रहे हैं, जो प्रॉब्लम है उनके बारे में भी सोच रहे हैं आपके पार्टनर। अब आपके पार्टनर इस रिश्ते को टाइम देना चाहते हैं, अब आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में अपना पूरा पूरा टाइम देना चाहते हैं। और डियर नाइट में इनको आपकी बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा दुश्मनों की नज़र आपके रिश्ते पर है, आपको सतर्क रहना है डियर। यहाँ पर ये दिख रहा है राइट टाइम का वेट कीजिए, चीज़ें जो है सही हो जाएगी और बहुत जल्द चीज़ों को मैं सही होता देख रही हूँ। एक राइट टाइम ऐसा आएगा कि चीजें जो है सही हो जाएगी, क्योंकि देखिए आपके पार्टनर भी इस बात का वेट कर रहे हैं कि वो आपके साथ में जस्टिस कर सके, वो भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आप दोनों की सोल जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, आप दोनों का जो है रियूनियन हो जाए, तो वो चीजों के लिए ये वेट कर रहे हैं और उदास भी हैं, बहुत ही ज्यादा उदास आपके पार्टनर दिख रहे हैं। आपको लेकर बहुत केयरिंग हो रखे हैं, आपको लेकर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है,
रहा है, गलती से उन्होंने जो जो काम किए थे उस बात का पछतावा, उस बात के लिए ये अपने आप को गलत ठहरा रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ में इनजस्टिस करके अपने आप में टूट से गए हैं, अपने आप में बहुत ज़्यादा सैड फील करने लगे हैं, उनको बहुत ज़्यादा निराशा फील हो रही है आपके पार्टनर को। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी आई है जहाँ पर वो बैलेंस करना चाह रहे हैं और करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। चीज़ों को सही करना है तो उन्हें करना ही पड़ेगा, है ना। हो सकता है कि आपके पार्टनर अच्छे खासे फैमिली, अच्छे खासे घर से दूर हो गए थे, लेकिन अब ये पार्टनर जो है चीज़ों को बैलेंस करेंगे, सारी चीज़ें बैलेंस होने वाली है, सारी चीजें इक्वल होने वाली है। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करेंगे, आपके पार्टनर जो हैं आपको लेकर बहुत कुछ फील करने वाले हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की इमोशंस मैं यहाँ देख पा रही हूँ और बहुत अच्छे तरीके से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए अब एक्शन लेना चाहते हैं। एक धमाकेदार एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रहा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हैवी दिख रहा है और आपके पार्टनर आपके साथ में एक सोल कनेक्शन फील करते हैं और आपसे रियूनियन की उम्मीद कर रहे हैं। वो आपके बहुत इर्द गिर्द आना चाहते हैं, मतलब होता है ना कि एक दूसरे के सामने बिल्कुल आकर बात करने वाली फीलिंग्स आपके पार्टनर की नज़र आ रही है। लवर्स का कार्ड है, बहुत ही आपको लेकर इनके मन में बहुत ट्रू फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ लव है, प्यार है, सब कुछ फील कर रहे हैं। अपना इमोशनल देखिए ना, ये इमोशंस जो हैं इनके छलक रहे हैं और ये अपने इमोशंस को लेके आपके पास आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि रियली ये आपसे ट्रू लव फील करते हैं। गलती हो गई है शायद इनसे, जो इन्होंने चीट कर दिया, ऑप्शन के पीछे भागे, लेकिन ये पास्ट की यादों से निकल नहीं पा रहे हैं, पास्ट की बातों से नहीं निकल पा रहे हैं, पास्ट की यादें इनका पीछा नहीं छोड़ रही है। आप दोनों ने जो टाइम स्पेंड किया, आप दोनों ने जो हो सकता है एक ऐसा टाइम स्पेंड किया है जो ये पार्टनर नहीं भुला पा रहा है, तो वो टाइम को लेकर आपके पार्टनर बहुत याद कर रहे हैं। फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है, उन बातों को भी ये बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। और डियर, ये इनके रॉन्ग स्टेप की वजह से, रॉन्ग डिसीजन की वजह से परेशान हो रहे हैं आपके पार्टनर। ओके डियर, तो ये है थर्ड पार्टी डेली अपडेट। और डियर, वीडियो अगर अच्छा लगा है, कुछ रेजोनेट करा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत प्यारे कमेंट्स लिखते हैं। और डियर, मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, ये सब कुछ आप ही लोगों की दुआओं का असर है और आप लोगों ने इतनी प्रार्थना करी, इतनी प्रेयर करी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, है ना डियर, जो मेरा वीडियो नहीं आया था आप लोगों ने एडजस्ट करा, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। अब कंटिन्यू है वीडियोस, और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दिल से डियर।